क्या मुद्दे उठाते हैं, इसका आप दावा कर रहे हैं हमारी सरकार। एक बात जो मैं हैवी टर्नआउट देखता हूं उसका एक कारण मैं देख रहा हूं कि हरियाणा में महिलाओं का मतदान पुरुषों से शायद ज्यादा हुआ होगा, डिटेल्स अभी तक मेरे पास पहुंची नहीं। और उसका एक प्रमुख कारण है शराबबंदी का भारतीय जनता पार्टी और एचवीपी का वचन। शराबबंदी के बात को लोगों ने काफ़ी सराहा है, स्वीकार किया है और उसकी ओर उन्होंने दिया है। दूसरी बात परिवर्तन की चाह, तो परिवर्तन की चाह ये लोगों की इच्छा और शराबबंदी का हमारा नारा और विकास के साथ एक प्रकार से बंसीलाल का नाम जुड़ा हुआ है। हरियाणा में विकास नाम की चीज़ के साथ बंसीलाल आइडेंटिफाइड है, तो लोग भी चाहते हैं कि भाई पिछले 20 साल से कुछ हो ही नहीं रहा है, भजन लाल का करप्शन वगैरह, तो बाकी जो नेशनल मुद्दे थे वो प्लस ये एडिशनल ये दो तीन बातें। हरियाणा में आपका निकटतम प्रतिद्वंदी कौन लगा, मतलब समाजवादी पार्टी या समता पार्टी या फिर? ये पूरे स्टेट में एक रिधम नहीं रही है, कहीं पर चौटाला के लोग हैं, कहीं पर भजन लाल जी के लोग हैं, दोनों किसी एक कॉन्स्टिट्यूंसी में एक है तो दूसरे कॉन्स्टिट्यूंसी में दूसरे हैं, लेकिन हम हर जगह पर एज कर रहे थे कैंपेन के बिगिनिंग से ही, और जैसे ही समझौता डिक्लेयर हुआ भारतीय जनता पार्टी और एचपीपी एकदम से अप चली गई थी। चौटाला चाहते थे कि वो पहले आपसे अलायंस करें, जो बात नहीं बन पाई क्योंकि हरियाणा विकास पार्टी के लोगों ने विरोध किया था, उसका क्या रिप्रकशन दिखता स्टेट में? दरअसल बात यह है कि बंसीलाल जी और चौटाला जी दोनों चाहते थे कि भारतीय जनता पार्टी उनसे समझौता करे और वे लगातार कोशिश कर रहे थे, लेकिन हम हरियाणा की जनता का मूड जानते थे। हरियाणा की जनता ने चौटाला को भी देखा है, बंसीलाल जी को भी देखा है, और हरियाणा की जनता चौटाला जी को पसंद करेगी ऐसा नहीं लगता था। हरियाणा की जनता के मन में देवीलाल के लिए एक भाव है, चौटाला जी के लिए दूसरा भाव है। देवीलाल जी होते तो जनता का मूड अलग होता, चौटाला जी के लिए जनता का मूड अलग है, ये पूरा असेसमेंट हमारे पास था। ऐसी स्थिति में हम डूबना नहीं चाहते थे, हम हरियाणा की जनता के अनुकूल कुछ करना चाहते थे और हमने ये निर्णय किया। बट बंसीलाल तो हमेशा से बीजेपी के खिलाफ रहे हैं, फिर ये रिकॉर्ड किस हद तक साथ? ऐसा है कि बंसीलाल जी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ नहीं रहे हैं, पिछले 2 साल से बंसीलाल जी लगातार हरियाणा में दौरा करते हुए कह रहे हैं कि अब हिंदुस्तान में भाजपा की सरकार चाहिए और हरियाणा के अंदर बंसीलाल जी एचपीपी को लेकर के हरियाणा की सेवा करना चाहते हैं। ये अभियान उन्होंने 2 साल से चलाया हुआ है और उसमें कभी भी उन्होंने कमी नहीं की, कटौती नहीं की, इसलिए मुझे नहीं लगता है कि एक प्रकार से वो भाजपा के विरोधी मानस के लोग हैं। मेरा सवाल था कि उमा भारती के बयान के बाद भारतीय जनता पार्टी की काफी बदनामी हुई है, छवि का सवाल उठ रहा है, हालांकि आज उन्होंने क्षमा मांगा है, खंडन किया है अपने उस बयान का, लेकिन लगता नहीं है कि बहुत कुछ घट बीत गया इस 2 दिन में? मुझे लगता है कि उमा जी ने स्वयं ने रियलाइज किया है, उन्होंने क्षमा मांगी है और अब उसके विषय में कुछ कहना उचित नहीं है। शिमला में क्या ट्रेंड देख रहे हैं? हिमाचल के अंदर कांग्रेस गवर्नमेंट है, 4 लोकसभा की सीटें हैं, भारतीय जनता पार्टी आज 3 सीटों पर बढ़त पे हैं और 1 सीट पर हम काफ़ी अच्छी फाइट दे रहे हैं। हमारी फाइट है सुखराम जी के साथ और वहाँ करप्शन के मुद्दे को लेकर के हम लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन वहाँ अभी कुछ क्षेत्रों में चुनाव बाकी हैं और आज के पोलिंग का जो रिपोर्ट्स मेरे पास हैं उससे लगता है कि सुरखराम की हालत बहुत ख़राब है। संभावना मैं देख रहा हूं कि हिमाचल की 4 सीटें भारतीय जनता पार्टी इस बार विजयी बनाएगी और बहुत बड़ा वो रिकॉर्ड होगा, आज तक के हिमाचल के इतिहास में ये रिकॉर्ड होगा। बट मंडी में क्या समस्या आ रही है? मंडी में हमें कोई समस्या नहीं है, मंडी में नहीं, कुल्लू और मंडी टफ नहीं है, टफ नहीं है, हमारी फाइट बड़ी तेज़ी से हुई है, अभी चुनाव उसका आधा बाकी है ना, कुछ पोलिंग बूथ है जहाँ बर्फ गिरी हुई है, वहाँ पोलिंग 30 को होने वाला है। वहाँ क्या मुद्दे उसके लिए? हिमाचल के अंदर प्रमुख रूप से एक मुद्दा है, नंबर 1 परिवर्तन की चाह, नंबर 2 अटल जी के प्रति पूरे हिमाचल के लोगों का एक अतिशय प्रेम का माहौल, और तीसरी बात है केंद्र सरकार के द्वारा पिछले कई सालों से लगातार हिमाचल को अन्याय, हिमाचल की भावनाओं को उधेड़ना, इन बातों को लेकर के लोग उखड़ गए हैं और हिमाचल के साथ कोई न्याय नहीं हुआ है सेंट्रल गवर्नमेंट से, काफ़ी उनकी मांगे वैसी की वैसी डिब्बे में पड़ी है और हिमाचल की कांग्रेस की लीडरशिप हिमाचल की समस्याओं को लेकर के दिल्ली के साथ बात तक करने की उसकी हैसियत नहीं रही है और उसके कारण हिमाचल के लोग बहुत नाराज हैं। लेकिन शांता कुमार जी की सरकार को लेकर के ये बात जोड़ों पूछ ली थी, उसमें भी रही थी
कि गवर्नमेंट सर्वेंट आपके साथ नहीं है, नाराज है। इस बार हमने एक गवर्नमेंट सर्वेंट को ही चुनाव में टिकट दिया है सुखराम जी के साथ, और वहाँ के श्री गोपाल शर्मा है यूनियन के प्रेसिडेंट, उन्होंने पब्लिकली बयान दिया है भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट्स को विजयी बनाने का। एक सवाल ये उठ रहा है कि कर्नल राम सिंह को जो आपने शामिल किया उसको लेकर के जो कैडर है बीजेपी का, उसका नाराज हुआ? प्रारंभ में अचानक जब समाचार मिलते हैं तो कार्यकर्ता के मन को थोड़ा प्रश्न उठता है, लेकिन आखिरकार हमारी पार्टी में कार्यकर्ता इस बातों को समझते हैं कि भाई हमने एक बहुत बड़ी लड़ाई लड़नी है, तो कभी कभी हम विभीषण का भी सहाय ले लेते हैं और हमने लिया है। क्योंकि आपका कैडर बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें किसी व्यक्ति जो कल तक कांग्रेस में था और आज आपके यहाँ आ गया, आपने उसे खत्म कर लिया और थोप दिया वोटर? नहीं, ये युद्ध था एक रणनीति के तहत। हिंदुस्तान में हम एक मैसेज दोनों को लोगों को देना चाहते थे, कांग्रेस टूट रही है, कांग्रेस पराजित हो रही है और कांग्रेस के लोग भाग रहे हैं, और वो मैसेज देने में हम सफल हुए हिंदुस्तान में। और लड़ाई के अंदर हमने भी तो कुछ पैंतरे लेने पड़ते हैं, ये सब पार्ट ऑफ अवर रणनीति। एक दो सवाल गुजरात के बारे में, अखबारों में जो रिपोर्ट्स आ रहे हैं गुजरात को लेकर के, उसमें ये कहा जा रहा है कि 26 सीटों में आपको 12-13 मिलेंगे, जबकि पिछली बार 21+1 मिले थे, इस पर क्या दिक्कत? नहीं, पहले हम लोग 20 थे 26 में से। मैं अभी भी मानता हूँ आज हिंदुस्तान के अंदर देश में कांग्रेस की सरकार बदलने का जो माहौल बना है वो गुजरात में 89 से बना हुआ है। गुजरात की जनता 89-91 एंड दिस इज द थर्ड इलेक्शन 96 कांग्रेस को उखाड़ फेंकने के लिए वोट कर रहा है, और गुजरात की जनता ने 7 साल पहले तय किया था कि हम किसी भी हालत में कांग्रेस को इस देश में राज करने नहीं देंगे। दो दो बार उसने कांग्रेस को उखाड़ के फेंका है, पहले 26 में से 23 दिया, इस बार 26 में से 20 दिया। गुजरात की जनता का मूड आज भी कायम है, वो किसी भी हालत में कांग्रेस को टॉलरेट नहीं करता है, वो कांग्रेस को उखाड़ फेंक देगा, और इस चुनाव में भी गुजरात की जनता के उस मूड का रिफ्लेक्शन मैं देख रहा हूँ। लेकिन बाघेला एपिसोड के बाद स्टेट में कुछ फर्क नहीं पड़ा वोटर्स? मतदाताओं पर कोई फर्क मुझे नहीं दिखता है, कार्यकर्ताओं के मन में राजी नाराजी की समस्याएं है, लेकिन उसको भी हम बहुत हद तक ठीक ठाक करने में सफल हुए हैं। क्या उम्मीद कर रहे हैं, कौन सी सीटें मिलेंगी इस बार आपको? मैं मानता हूं कि पहले से हम बढ़ेंगे। पर एक तरफ आपकी पार्टी अखबारों के जो आ रहे हैं सर्वे, उस पर कुछ हद तक यकीन कर रही है, इसमें 13-12 की बात कही जा रही है। मैं अखबारों के सर्वे में एक बात पर डिफर होता हूँ, अखबारों के सर्वे के आधार पर ही मैं कह रहा हूं कि आज वो 20% फ्लोटिंग वोट बता रहे हैं। 20% फ्लोटिंग वोट, ये चुनाव के अंदर 2% भी फ्लोटिंग वोट बहुत बड़ी ताकत होते हैं, शासन को यहां से यहां कर सकते हैं। अब जब 20% फ्लोटिंग वोट होता है तो वो फ्लोटिंग वोट रूलिंग पार्टी का नहीं हो सकता है, अगर वो रूलिंग पार्टी का वोट होता तो कब का ही डिसाइडेड होता, उसका मतलब है कि वो अदर देन कांग्रेस का वोट है। अब वो वोटर फ्लोटिंग इसलिए है कि उसके मन में एक चिंता है कि भाई कौन आगे जा रहा है, मैं किसको वोट दूं तो सरकार बनेगी, उस उधेड़बुन में है, और आज उसको लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी का घोड़ा नंबर एक पे है, फ्रंट रनर हम है। इसलिए मैं बहुत विश्वास से देख रहा हूं और मेरे एक्सपीरियंस से भी मैं मानता हूं कि फ्लोटिंग वोट बहुत बड़ी संख्या में भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जाएगा, फ्लोटिंग वोट बहुत बड़ी संख्या में एक्टिवेट होगा, और वो सारी इस धारणाओं को एनालिसिसों को गलत निकालेगा और भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत देगा। एक आशंका ये की जा रही है कि सेंटर में हंग पार्लियामेंट होगा। मैं मानता हूँ ये हंग पार्लियामेंट की चर्चा तब निकलती है जब कांग्रेस पराजित होने वाली है, और ये कांग्रेस की चालाकी रहती है कि जब जब उसको पराजय का मुंह देखना होता है तब वो ऐसे ही मैसेज छोड़ने की कोशिश करती है कोई जीतने वाला नहीं। तो ये कांग्रेस ने चलाया हुआ बिल्कुल ही एक झूठा प्रचार है, हिंदुस्तान के मतदाताओं का यह अपमान है। हिंदुस्तान का मतदाता इतना मैच्योर है कि पिछली बार कर्नाटक के चुनाव हुए, उन्होंने कहा था हंग पार्लियामेंट बनेगी, दुनिया भर के लेख लिखे जा रहे थे, हंग असेंबली नहीं बनी, कर्नाटक में क्लियर कट मेजोरिटी आई। महाराष्ट्र में शिवसेना बीजेपी हंग असेंबली बनेगी ऐसी चर्चा थी, लोगों ने वोट दिया, क्लियर कट मेजोरिटी आई। उसके बाद चुनाव हुआ यहाँ अपने गुजरात का, उस चुनाव के अंदर भी उन्होंने हंग असेंबली की बातें कही थी, इंडिपेंडेंट चुन करके आएंगे, वो स्थिति नहीं बनी, 2/3 मेजोरिटी सर क्लियर कट मेजोरिटी आई।
पिछले कितने ही चुनाव देखिए, हिंदुस्तान में चुनाव से पहले हंग असेंबली की चर्चा होती है क्योंकि कांग्रेस हार रही है और परिणाम आता है क्लियर कट मेजोरिटी का। इस पार्लियामेंट में भी हिंदुस्तान का मतदाता जो 10-10 लोकसभा के चुनाव लड़ चुका है, वोट दे चुका है, वो ऐसा इनडिसिसिव निर्णय नहीं करेगा, वो क्लियर कट डिसीजन लेगा और वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में होगा। अगर तो कांग्रेस बड़ी पार्टी के रूप में उभरी, गवर्नमेंट नहीं बनने की हुई, तो गैर भाजपाई पार्टियां जो सपोर्ट करती हैं कांग्रेस को, उसमें बीजेपी की भूमिका क्या हो सकती है? भारतीय जनता पार्टी का पीछे हटने का कोई सवाल ही नहीं उठता है। इस बार भारतीय जनता पार्टी न सिर्फ बड़ी पार्टी बनेगी, लेकिन बहुमत के साथ बड़ी बनेगी। इसलिए नरसिम्हा राव का क्या होगा और अदर पार्टीज का क्या होगा, वो तो सोचने का सवाल ही नहीं उठता है। अगर कांग्रेस में माइनस राव की बात चलती है, तो बीजेपी की भूमिका क्या होगी? हमारा विषय कांग्रेस में नरसिम्हा राव से झगड़ा ऐसा थोड़ा है, हमारा विषय नरसिम्हा राव एंड द होल कांग्रेस कल्चर और ऑल द कांग्रेस पॉलिसीज के खिलाफ लड़ाई है। हमारे लिए कांग्रेस का तो कोई समझौते का प्रश्न ही नहीं उठता भाई। कांग्रेस में नरसिम्हा नेतृत्व कर रहे हैं या माधवराव कर रहे हैं कि अर्जुन सिंह कर रहे हैं, उससे हमें क्या लेना देना है। हम तो एक पार्टी के खिलाफ, पार्टी के आइडियोलॉजी के खिलाफ 50 साल से कांग्रेस ने देश की जो दुर्दशा की है उसके खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं, तो हमारी किसी व्यक्ति के खिलाफ लड़ाई थोड़ी है। 50 साल में जो देश को नुकसान किया है उसके खिलाफ हमारी लड़ाई है, तो नरसिम्हा है नहीं है ये हमारे विचारों का विषय नहीं है। अंत में एक क्वेश्चन, यदि आप इस आपने दावा किया कि आपकी पार्टी सरकार बनाने की स्थिति में है और आ रही है, सरकार बनने के बाद यदि बीजेपी गवर्नमेंट बनाती है, तो मनमोहन सिंह का जो इकोनॉमिक पैकेज है, देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में साफ कहा हुआ है, हम मिनिमम ग्लोबलाइजेशन के पक्ष में हैं, मैक्सिमम लिबरलाइजेशन के पक्ष में हैं। हम इस देश में उन मल्टीनेशनल्स का स्वागत करते हैं जो देश में मॉडर्न टेक्नोलॉजी को लेकर के आते हैं, देश के इंफ्रास्ट्रक्चर को ठीक करने के लिए आते हैं, देश के पोर्ट्स के फील्ड में आते हैं, वेलकम। लेकिन हम पेप्सी और पोटैटो चिप्स ऐसे कामों के लिए मल्टीनेशनल का स्वागत नहीं करते हैं, ये नीति भारतीय जनता पार्टी की साफ है।